के लिए एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अपने घर पर भोजन करने बुलाया और खुद उसके घर में सेंध लगाकर जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने सिटी प्लाजा अपार्टमेंट अंबेडकर नगर निवासी गणेश राम पौनीकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। पकड़ा गया आरोपी शिवनेरी अपार्टमेंट बिना की मंगलवारी निवासी कैलाश प्रभाकर निमजे बताया गया। गणेश बीएसएनएल में काम करते हैं जबकि कैलाश सिविल ठेकेदार है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और एक दूसरे के घर पर आना जाना था। कैलाश ने फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से कर्ज ले रखा था लेकिन व्यापार ठीक नहीं चल रहा था, ऐसे में कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया था। शुक्रवार को कैलाश ने अपने घर पर जन्माष्टमी के अवसर पर भोजन का कार्यक्रम रखा था। गणेश भी अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। पारिवारिक संबंध होने के कारण गणेश की पत्नी सहज ने घर की चाबी फ्रिज के ऊपर रख दी। कैलाश ने उन्हें चाबी रखते देख लिया, उसने चुपके से वह उठा ली। 10 मिनट का काम है कहकर कैलाश अपने घर से निकला, गणेश के घर पर गया और 85 ग्राम सोने के जेवरात चोरी कर लिए। वापस ताला लगाकर अपने घर चला गया। रात 11 बजे के दौरान गणेश घर पहुंचे तो पत्नी को अलमारी खुली दिखाई दी। जांच करने पर जेवरात गायब थे। 5 पावली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कैलाश परिसर में दिखाई दिया। पहचान होते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चोरी किए गए माल के बारे में पूछने पर कैलाश पुलिस को अपने घर के समीप स्थित खाली प्लॉट पर ले गया। वहां गड्ढा करके उसने गहने छिपाए थे, उस पर बड़ा पत्थर भी रख दिया था। पुलिस ने पंच के समक्ष जेवरात जब्त कर लिए। डीसीपी गजानन राजमाने के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर संजय मेड़े, रवि नागोसे, पीएसआई अविनाश जायभाए, हेड कांस्टेबल विजय यादव, वासुदेव जयपुरकर, अंकुश राठौर, पवन भटकर, गणेश ठाकरे, नितिन आशीष और शनिवास ने कार्रवाई की। गणेश राम पौनीकर वय 47 वर्ष, राणा सिटी प्लाजा अपार्टमेंट आंबेडकर गार्डन जवळ, यांनी दिनांक 19/8/2022 20 ते 21 वाजता दरम्यान घरपोडी झाली असल्याची फिर्याद दिली होती। त्यावरून आम्ही अपराध क्रमांक 10/79/22 3/83/487 गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आमचे DB पथक यांनी तपास सुरू केला। तपास सुरू करत असताना COC येथील कॅमेरे वगैरे चेक करण्यात आले, त्यामध्ये मेहंदीबाग पुली आणि आंबेडकर गार्डन जवळील आम्ही COCचे कॅमेरे चेक केले असता एक फंशी दिसम पांढऱ्या रंगाच्या ॲक्टिवा गाडीने संशयिताला फिरताना आढळून आला। त्याचा शोध घेतला असता तो रहाटे चौक सीताबर्डी येथे तो मिळून आला होता। त्याला ताब्यात घेऊन त्याचे अधिक चौकशी केली, विचारपूस केला असता त्याने सदर गुन्हा केल्याचे कबूल केले आणि सदर गुन्ह्यामध्ये गेलेला मध्यमात हा 85.37 ग्रॅम सोनं आणि एक मोटरसायकल आणि एक मोबाईल असा त्याच्याकडून 4,66,800 रुपयाचा मध्यमात हा जप्त करण्यात आलेला आणि पुढील तपास सुरू आहे। विशेष बाब म्हणजे जो इथला याच्यामधील जो आरोपी आहे हा फिर्यादीचाच मित्र आहे आणि त्यांनी त्याच्या फॅमिलीला आपल्या घरी जेवणाकरिता आमंत्रित केलेले होते आणि घरी बोलवून त्यांनी मग तो घरी आल्यानंतर त्याची फॅमिली घरी फिर्यादी घरी आल्यानंतर हा तिथं जाऊन त्यांनी ते चोरी त्यांची त्याच्या मित्राने ते चोरी केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।